पाकिस्तान में कोरोना महामारी के बीच सीआईसी घमसान चरम पे है। लाहौर की रैली को लेकर विपक्षी दलों ने आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। रैली की तैयारी में चल रही बैठक से 150 पीडीएम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अब इमरान सरकार चंद दिनों की मेहमान है। लाहौर रैली से अब आर पार की लड़ाई शुरू होने वाली है। विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के प्रवक्ता और पीएमएलएन के पंजाब प्रांत के अध्यक्ष राणा सनाउल्ला खान ने कहा कि लाहौर रैली को रोकने की इमरान खान ने कोशिश की तो किसी भी बड़ी घटना के लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बताया कि देश में दोबारा चुनाव हो सकेंगे, इसके लिए सभी विपक्षी दलों के सांसद सामूहिक इस्तीफा देंगे। इन इस्तीफा के देने का मकसद देश में दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब अपने ट्विटर अकाउंट से सभी को अनफॉलो कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ को भी अनफॉलो कर दिया। उसी के बाद वह ट्रोलर के निशाने पर आ गए। बस फिर क्या था, इमरान खान के बारे में ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रिया होने लगी। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।